का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। इस चैनल पर जो नए हैं मैं उनको बता दूं, इस चैनल पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वर्ल्ड लेवल के जो लिटरेचर हैं सोर्सेस हैं और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनसे लेकर आते हैं। तो पहले जो हमारा पार्ट था विटामिन ई के बेनिफिट्स हमने पहली वीडियो में डिस्कस किए थे, अब हम चलते हैं कि विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो तब कैसे लक्षण आएंगे। और तीसरा पार्ट जैसे हमने बोला था बनाएंगे कि इसकी कमी आती क्यों है, कौन सी बीमारी में आती है और ऐसा कौन सा खाना है जिसको लेकर हम विटामिन ई को पूरा कर सकें, तीसरा पार्ट इस पे बनाएंगे। तो दूसरे पार्ट में हमने जैसे पहले पार्ट में समझा था कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये काम कैसे करता है और कहाँ तक ये काम करता है, तो ये सारा पहला पार्ट ही हमारा, इसी के ऊपर हम अपना सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी के साइन क्या आएंगे और जब कम हो जाता है उसको कैसे ठीक करें, वो तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसे समझ लिया था कि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसके जैसे और एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं, विटामिन सी है, सिलीनियम है, हमने डिस्कस किया था, साफ़ी है जैसे आयुर्वेदा में, ये काम कैसे करती है, सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। तो डेफिशिएंसी भी है वैसी आएगी विटामिन ई की जैसे इसके हमने डिस्कस किए थे बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो शरीर में कहीं पे भी डैमेज होना शुरू हो सकता है, डैमेज इन द सेंस कि वहाँ पे नुकसान होना शरीर के किसी के भी हिस्से में, जैसे कि चमड़ी के ऊपर इसका असर दिखने लग जाएगा, वहाँ डार्क स्पॉट बनने लग जाएंगे, वहाँ पर रफनेस आने लग जाएगी ज़्यादा, और वहाँ पे एक तरह की जिसे बोलते हैं कि चमड़ी बिल्कुल मर गई है काले रंग की और ऐसे बेजान चमड़ी हो जाती है, और बाल हैं वो भी टूटने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, बाल गायब नहीं होते, टूटते ज़्यादा हैं, ठीक है। हार्ट के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये हार्ट को ब्लॉकेज से बचाता है तो हार्ट के अंदर भी नसें हैं जल्दी बंद होना शुरू हो जाती हैं विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए। ब्रेन के अंदर, अगर दिमाग के अंदर किसी को कोई बीमारी है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, ये मेमोरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है, मेमोरी भी उसकी काफ़ी जो आईक्यू है उसको ये अफेक्ट करता है। आँखों के ऊपर इसका असर है, आँखों का जो विज़न है उसको कम होना शुरू हो जाता है विज़न का। तो उसके साथ इसका हम देखते हैं आगे कि जैसे हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ के ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ से, तो जो हार्ट की जो नसें बंद हैं उनको जल्दी बंद होने से बचाता है। ये चीज़ें आपने ज़रूर समझनी है, जो हमेशा हम बात करते हैं जल्दी बंद नहीं होने देता है उनसे बचाता है। अगर हम बात करें कि ये बंद ही नहीं होने देता, ये कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक ऐसे बिल्कुल बचा ही लेता है, ऐसा नहीं है, जल्दी बंद नहीं होती अगर विटामिन ई पूरा हो आपके अंदर। डेफिशिएंसी से हार्ट ब्लॉकेज जल्दी होने लग जाती है पेशेंट को। तो ऐसे कैंसर है, तो अगर ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो कैंसर वाले पेशेंट की हालत काफ़ी दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। अगर विटामिन ई उसके अंदर पूरा है तो कैंसर से वो लड़ सकता है, खास करके चमड़ी वाले कैंसर के अंदर। तो ऐसी इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी को अप करके रखता है विटामिन ई, चाहे इम्यूनिटी डेंगू की वजह से कम हुई हो, चाहे टाइफाइड की वजह से कम हुई हो, उसको अप करे रखता है। पर अगर हम बात करें कि इम्यूनिटी को ठीक ही कर देता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है इम्यूनिटी आपकी टाइफाइड की वजह से लो हो रही हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसकी वजह से लो हो रही हो, शुगर हो रखा था उसकी वजह से इम्यूनिटी आपकी लो हो रही हो, तो शुगर टाइफाइड इनका इलाज लेना ज़रूरी है, साथ में विटामिन ई लें तब ठीक महसूस होगा। अगर हम बात करें कि इम्यूनिटी है भी इसकी वजह से कम हो रही है, ये लेकर इम्यूनिटी को ठीक कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हेल्पफुल है। तो वाउंड है वो हीलिंग में दिक्कत आ जाती है, जैसे शुगर वाले को जख्म हो गए हैं या किसी और चोट से जख्म लग गए हैं, चमड़ी के ऊपर कट लग गए हैं, तो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो जख्म जल्दी जल्दी भरेगा नहीं, इसलिए शुगर वाले पेशेंट को ऊपर लगाने के लिए भी हम विटामिन ई बोल देते हैं और उसको इंजेक्शन के लिए डेली खाने के लिए भी विटामिन ई दे देते हैं, क्योंकि ये इसका असर है चमड़ी के ऊपर, ज़्यादा असर होने की वजह से चमड़ी की बीमारियों को ये जल्दी ठीक करता है, ऐसे शुगर वाले जख्म ये जल्दी ठीक कर देता है। स्किन डिजीज़ है, चमड़ी के ऊपर कुछ बीमारियां हैं, अगर बीमारी चमड़ी के ऊपर कुछ बीमारियां हैं, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। अगर हम बोलें कि हो जाती हैं, ये नहीं है, ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, जैसे कि अग्जीमा है किसी को या सोराइसिस है, विटामिन ई की उसके अंदर डेफिशिएंसी चल रही है, तो इन दोनों बीमारियों को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों बीमारियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं, अगर विटामिन ई उसको हम
जल्दी उसका ठीक कर लें, पूरा कर देते हैं नेचुरल सोर्सेस से, आर्टिफिशियल से नहीं जो रेडीमेड मिलता है हमें, उसके तो साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं आगे चलकर, तो नेचुरल सोर्सेस से ही। तो एक्जिमा और सोराइसिस का हम अलग से दवाई चलाएं, विटामिन ई साथ में लें, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जल्दी दोनों बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो रिंकल्स हैं, रिंकल्स का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है साइंस में कि चमड़ी के अंदर जो झाइयाँ पड़ जाती हैं उसको ठीक कर देती हैं बिल्कुल, ये अभी तक क्लेम अनसपोर्टेड है, क्योंकि रिंकल्स को ठीक करने के लिए विटामिन बी का भी साथ में होना बहुत ज़रूरी है, विटामिन बी भी साथ में लेना पड़ता है। तो अकेला इसका रिंकल्स के आगे कोई बड़ा रोल नहीं है। स्कार फॉर्मेशन है, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो स्कार फॉर्मेशन होता है, जैसे जख्म होने के बाद जब जख्म भरने लगता है तो उसके अंदर कभी कभी कई लोगों के बड़े बड़े निशान पड़ जाते हैं उभरे हुए सफ़ेद। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो स्कार है बहुत ज़्यादा बनते हैं, स्कार फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जख्म भी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये सारे इसके डेफिशिएंसी के साइन थे जो हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम तीसरे पार्ट में इसके डिस्कस करेंगे कि इसकी कमी होती क्यों है और कौन सा खाना खाकर हम विटामिन ई की डेफिशिएंसी को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो परमानेंटली ठीक करने की हम कोशिश करेंगे और आइडियाज़, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम परमानेंटली ठीक कर सकते हैं और अलग अलग बीमारियों में कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा पार्ट हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ऐसी जो साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगती है, तो मेरे चैनल पर जाकर आप कैंसर है, गठिया है, रिनल फेलियर है, डायलिसिस है, जोड़ों की, पेट की बीमारियाँ हैं, मेल सेक्सुअल हेल्थ है, फीमेल हेल्थ है, इनफर्टिलिटी है, सारी वीडियोज़ और देख सकते हैं। और रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब और बेल को दबाकर जरूर नोटिफिकेशन के लिए लाइक कर दें इस चैनल को। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तीसरा पार्ट इसका ज़रूर देखें, जो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनसे, क्योंकि वो नहीं आप देख पाओगे तो आपकी इसकी डेफिशिएंसी को, कमी को पूरा करने के आइडियाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएंगे।